इस वक्त मैं हूँ चाइना में। यहाँ पे ये वाले राइस होते हैं, ये मोटा चावल है, पता नहीं इसको आप कैसे पकाते हैं लेकिन मैं पका रही हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। 1 2 3 4 5 पक रहा है। 3 सुराख था ही। हमारे पास इस वक्त ये इलेक्ट्रिक बर्तनों की किल्लत होने की वजह से पक रहे हैं भाई। साथ साथ आपको भी मैंने कैमरे पर ले लिया है। ये मेरी मामा का बताया हुआ नुस्खा है, मैंने इसको चेक करना है। मैं इस पे चूंकि मुझे आलू भी पकाने हैं तो मैं आपके ब्रदर ने ये सोचा बिल्कुल सही तरीके से। देखिए उबल रहा है, एवोपरेट होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं इसीलिए खा रही हूँ कि मैं जिंदा रह सकूं, और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है इसको देख के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा उमर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वक्त मैं हूँ चाइना में, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। मैं आलू वाले चावल बना ली और कटिंग वगैरह जो है वो सारी हो चुकी है, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कटिंग कर ली है तो फिर मैं दिखाती हूँ साथ साथ। यहाँ पे ये वाले राइस होते हैं, ये मोटा चावल है, पाकिस्तान वाला चावल नहीं है, तो इनको थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। और हमारे पास इस वक्त ये इलेक्ट्रिक पॉट मौजूद है जिसमें मैं चावल बना रही हूँ। और वैसे तो ये हॉट पॉट मतलब गर्म चीज़ें बॉयल और इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी इसमें से इसमें कारीगरी करके इसको आलू वाले चावलों में बनाना चाह रही हूँ। तो देखते हैं, साथ साथ आपको भी मैंने कैमरे पर ले लिया है। अब देखते हैं चावल बनेगा या कुछ और बनेगा। जब तक ये बन रहे मैं इसको धोकर आती हूँ। अच्छा, राइस को तो मैंने गर्म पानी में डिप कर दिया है क्योंकि ये मेरी मामा का बताया हुआ नुस्खा है कि अगर राइस जो है वो आपके नहीं पक रहे तो आपने उसको गर्म पानी में डिप कर लेना है। ओके, नाउ और इस तरह से आपने मेरे साथ साथ रहना। आपको मैं कुकिंग भी सिखाऊंगी कि बाकी कंट्रीज में जाकर कुकिंग कैसे करते हैं। अल्लाह खैर करे अच्छे बंदे। ये जो पॉट है ना, असल में इसके दरमियान में उन्होंने एक प्लेट लगाई हुई है तो वो दरमियान से गर्म करता है, साइड से गर्म नहीं करता, इसलिए ये पानी वाली चीज़ें गर्म करता है क्योंकि पानी पूरा उबलता है। उसमें अगर आप नूडल्स फेंकेंगे तो वो ईजीली बन जाती हैं। और इसी तरह लेकिन इसमें मैं नमकीन चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नमकीन राइस। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अल्लाह करे आप बन भी इतने अच्छे जाएँ। एक काफ़ी हद तक मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। चूँकि मुझे आलू भी पकाने हैं तो मैं आलू को पानी में पकाने से पहले इसको इसके अंदर फ्राई फॉर्म में थोड़ा भूनूंगी यहाँ के तरीके के मुताबिक। और अगर आप मेरी डिशेज सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने इसको थोड़ा बंद कर दिया है ताकि इसमें भाप बने। अब ये मेरे आलू दरमियान से नीचे ना लगे इसलिए मुझे इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना होगा। आलू प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने अंदर डाले थे नई टेक्निक के मुताबिक, ताकि आलू अच्छे से पक जाए, ताकि मुझे चावलों में ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। तो ये बनने में टाइम लगेगा, जितनी देर तक ये बन रहा है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गो टू द बेल आइकन और बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिक चूल्हे का फायदे मैं आपको यूँ यूँ आगे दिखा तो तुम पक रहे हैं भाई। तो ये हम डिश तैयार कर रहे हैं आलू वाले चावलों की। तो इसमें हमने आलू को पकाना है, 70% आलू आपने प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें डाल देना है ताकि वो पकता रहे, और बाकी का जो 30% आलू है वो आपने राइस डालने के बाद पानी में पकाना है ताकि आपके आलू अच्छे से पक जाए। किसी भी दूसरी कंट्री में या मरी में या ऊंचे इलाकों में या नई जगह पे आप लोगों को चावलों का हिसाब नहीं होता तो एकदम आपने चावल नहीं डालने या एकदम उसमें पानी नहीं ऐड ऑन करना, थोड़ा सा रुक रुक के करना है ताकि आपके चावल जो है वो हलवा ना बने। वैसे मेरे चावल सब कहते हैं कि हलवा बन जाते हैं, मगर तो फिर पाए यहाँ वाले चावल
मॉम डैड जरा आप लोग भी ब्लॉग देख लेना कि आप लोगों की बच्ची जो है वो चावल बना दिया करी। तो इसके बारे मेरे आलू नीचे लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी साइज की प्लेट इस फोर्थ की, ये देखें साइज की प्लेट जो है वो गर्म नहीं होती, दरमियान से होता है, क्योंकि ये फोर्थ फोर्थ टाइप है, मतलब वो जिसमें खाने वगैरह आप गर्म करते हैं या मोगे भी रेस्टोरेंट में रखा होता है, आप जो आपको दिल करता है आप उसको बॉइल करें और खा लें, तो ये उस टाइप का है। तो इसमें आपके भाई ने, बहन से ज़्यादा अच्छा डायलॉग भाई का लगता है, ये कारीगरी की है कि हमने कहा आलू वाले चावल इसमें बनाए, तो आपके ब्रदर ने ये सोचा कि चावल इसमें आलू वाले बनाए जाए। और उसके बाद जो मैंने देखा काफ़ी तक आलू पक चुके हैं, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो अभी तक ये पक रहे हैं, थोड़ा सा उबाला आ जाएगा तो मैं इसमें राइस ऐड ऑन कर लूँगी। तब तक डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे स्कैम, फ्रॉड्स, बाहर जाना, बाहर ना जाना, पाकिस्तान में क्या काम करना, आपके हाथों में क्या स्किल होना चाहिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ आलू वाले नमकीन चावल चाइना में खड़ी, और बर्तनों की किल्लत होने की वजह से मैंने बड़े बड़े छोटे छोटे शॉर्टकट मारे पूरी वीडियो में, तो आपने देखना है लास्ट में, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तरीके से देखें उबल रहा है, अच्छा उबल रहा है ना, तो मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ राइस, ये मैंने सारे राइस ऐड कर दिए, एक एक दाना साफ करना चाहिए, तो मैं एक एक दाना साफ करती हूँ। अब मैंने इसको डाल दिया, अब ये राइस उबलेंगे, तो राइस वाटर उबलेगा तो आपने थोड़ी देर इसको उबलने देना है और साथ साथ पानी निकालना है, इसलिए मैं इसको हाफ कवर्ड करूँगी, क्योंकि पानी का एवोपरेट होना बहुत ज़रूरी है, बाहर निकलना बुखारात बनकर बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको बुखारात बना रही हूँ। मैं सिर्फ बोली इसलिए जा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप बोर भी ना हो और मेरे चावल बनाने का तरीका भी देख लें, तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या बनता है। अब ये देखिए कितना मज़े का तरी तरी बाहर आ गई है साइडों पे, और राइस दरमियान में पक रहे हैं, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, मैंने इसको चेक करना है, मैं इस पर हाँ यमी टेस्ट, मज़ा आ गया, शायद भूख लगी हुई है इसलिए। फ्रूट्स बाहर की कंट्रीज में आप होते हैं तो फ्रूट्स बहुत खाया करें, और अगर रोटी नहीं भी खा रहे डू नॉट फॉरगेट टू हैव फ्रूट्स। मैं पाकिस्तान में थी तो मैं बिल्कुल फ्रूट नहीं खाती थी, मैं इधर आई हूँ तो मैं बहुत फ्रूट खाती हूँ, मतलब मैं इसीलिए खा रही हूँ कि मैं जिंदा रह सकूँ। इनका राइस छोटा और मोटा होता है, पाकिस्तान वाला राइस बिल्कुल भी नहीं होता, मोस्ट इतने डब्बे जितने राइस जो है ना वो 2 RMB के लिए हैं, तो राइस और आटा सस्ते हैं जो बेसिक इनकी चीज़ें हैं। पता नहीं इसको आप कैसे पकाते हैं लेकिन मैं पका रही हूँ, चैलेंजिंग है ये मेरे लिए। जी हाँ तो ये अभी मेरे राइस पक ही रहे हैं, वैसे ही शक्ल है जैसे छोटे के, पर इसको पकने दो यार, तंग नहीं करती अभी, सॉरी टू से। तो जब मैं दम वाली साइड पे आ जाऊंगी ना, तो ये जो इसके 3 सुराख था, ये जो इसके 3 सुराख हैं वो, और जो एक मेन सुराख है, मैं इनको बंद कर दूंगी ताकि ये मुझे तंग ना करे, मतलब दम के लिए, दम के लिए आपको पता पानी की एवोपरेशन नहीं होती, अभी तो निकल रहा है ना मज़े मज़े से। तो क्योंकि इसकी दरमियान में प्लेट है तो मैं इसको बार बार कवर कर रही हूँ ताकि इर्द गिर्द के चावल भी पक जाए किसी तरीके से, और मुझे इसीलिए बार बार हिलाना भी पड़ रहा है। कवर्ड, अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरे नाइफ का कवर है, इसको मैंने लिया इधर, हाँ धुआं निकलना बंद हो गया, चम्मच को मैंने रखा इस सुराख के ऊपर, अभी भी निकल रहा है, ठहरो तरीके से रखती हूँ ये, और ये मैंने रख दिया इधर, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ठीक है,
1, 2, 3, 4, 5 पक रहा है, तो इसका मतलब नहीं पके, तो इसलिए अब मैं इसमें और पानी ऐड करी हूँ ताकि इसको थोड़ी देर और रखूँ और फिर आखिर में बेशक मैं इसको टेस्ट करके इसका पानी ड्राई कर लूँगी। बट कच्चे खाने से बेहतर है कि आप पके हुए खा लें, बेशक हलवा खा लें। तो ये अब फिर पकने वाले मूड में चले गए हैं, सो वेट, जब तक पकते नहीं है इसको मैं कवर कर रही हूँ तब तक जब तक मैं टेस्ट करती हूँ। थोड़े से रहते हैं और पकने वाले इस आलू वाले चावल, तो देखते हैं कैसे बने हैं। पक तो गए हैं, मैंने पीछे हिसाब लगा लिया था कि पक गए। ये देखें ऐसा हल्का सा पानी है तो हमारे चावल तैयार हैं और बहुत अच्छे तैयार हैं। मुझे टेस्ट में तो बहुत अच्छे हैं, मुझे एक बार फाइनल लुक दिखा देंगे क्योंकि यहाँ आलू मोटा और छोटा है, सिर्फ ये नीचे में गिरता है। तो हमारे ये तैयार है और मैं अब ये यमी यमी सा खाने वाली हूँ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग मी फॉर मोर अपडेट्स। और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है इसको देख के, इसलिए मैं ज़्यादा देर वो नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरे मज़े के राइस बन चुके हैं एंड वो भी हॉट पॉट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेल आइकन दबा दें दबा दें दबा दें दबा दें इधर इधर करके इधर करके ओके प्रेस बाय बाय कीप फॉलोइंग मी अल्लाह हाफिज़।